जो चर्चा की है आपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में देखा है कि सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, तो हम भी एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम आत्मनिर्भर हों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 2030 तक हमें हमारा ऐसा अनुमान है कि 40 मिलियन टन दाल चाहिए, जबकि हमारा उत्पादन लगभग 24 से 25 मिलियन टन, मतलब 240 से 250 लाख टन तक लास्ट 3-4 सालों में देखा गया है। तो अगर इसको उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं पॉलिसी जो है बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, जो एक फायर फाइटिंग जिसको पॉलिसी कहते हैं उस तरह की पॉलिसी है। तो उस तरह की पॉलिसी को हमारे देश की जनसंख्या जो 2030 तक 150 करोड़ हो जाएगी, उसके लिए मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इस तरह की पॉलिसी से हम हमारी जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसको के ऊपर पूरा ध्यान रख सकें। तो इसलिए जरूरी है कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, क्योंकि हमारा ट्रेड भी काफी इससे विचलित हो रहा है, क्योंकि लास्ट जनवरी 2023 से लेकर अभी तक लगभग 13 नोटिफिकेशन इशू हो चुके हैं। तो इससे क्या हमें ट्रेड में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि सरकार की अगले 2 महीने बाद क्या पॉलिसी। जैसा कि येलो पीस का इम्पोर्ट अगर आप देखें, पहले सरकार ने 7 दिसंबर को खोला और 31 मार्च तक खोला, 31 मार्च से 30 अप्रैल किया, 30 अप्रैल से 30 जून किया और उसके बाद अक्टूबर कर दिया। अब हमें ये मालूम कि अक्टूबर के बाद इम्पोर्ट खुलेगा या बंद होगा। और यहाँ पे और भी इंटरनेशनल मार्केट से येलो पीस का है, यहाँ पे हमारे जो मार्केट में डंप हो गए, येलो पीस डंप हो रही है। येलो पीस के दाम जो 45 रुपए थे घटकर 35 रुपए हो गए हैं, और अगर ये कंटिन्यू रहा इसी तरह रहा तो मेरा अनुमान है कि 32-33-32 रुपए हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो जो हमारी जब जो ग्रोइंग जो हमारा रबी सीजन का जो बुआई का समय आएगा उस समय फिर किसान जो वो रिलक्टेंट होंगे कि हम वो हिचकेंगे कि हमको प्रोडक्शन की 30-32 रुपए वो कोई दाल नहीं उगाना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, तो वो 30 उनके लिए आदर उसमें नुकसान है, फिर वो दूसरी क्रॉप में शिफ्ट होंगे। तो एक हम विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसमें एक बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। हमें हमारे यील्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमें हमारे किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि वो दूसरे सीरियल से थोड़ा इसमें शिफ्ट करें। उसके लिए सरकार को कुछ सब्सिडी अनाउंस करनी चाहिए दालों के लिए, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ, जो सरकार का जो आज जो नारा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो हम सचमुच उसकी तरफ बढ़ सकें।